सवाल यह है कि ये बताएं कि हॉकी किस लकड़ी से बनाई जाती है? शहतूत की लकड़ी। शहतूत की लकड़ी से हॉकी बनती है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनका इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? 53 साल। आ जाएं, आप करीब तरीन हैं, 52 बरस है जी, 52 जो भी समझ लें। तशरीफ लाएं। रंग गोरा करने वाली खास क्रीम जिप्सी वाइटनिंग क्रीम की तरफ से आपसे सवाल पूछे गए, आपने सही जवाब दिए, उन्होंने आपके लिए किताब का तोहफा है, साथ कैश है खर्च करने के लिए, जिप्सी की तरफ से कैश किताब आपके लिए भी जी। बिस्मिल्ला। आप दोनों मेहमान बनते हैं ब्राइटो पेंट्स के। ये मरहला आपकी खिदमत में ब्राइटो पेंट्स के ताबुन से पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि रंगों को जब जबान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल, ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके, हर दीवार से छलके प्यार। रंगों को जब जुबां मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल, ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। ब्राइटो पेंट्स के मेहमान अंजुम, आपसे मेरा पहला सवाल है, आलमी मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स, इसका आगाज कब हुआ? 1952 में। 1952 जवाब दुरुस्त है जी। डॉक्टर मरियम, उस पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सबसे पहले काउंटी क्रिकेट खेली और वो पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे, इंतकाल हो चुका है, बल्कि सियासत में आकर पंजाब में वजीर भी रहे। ये थे जी एएच कारदार, अब्दुल हफीज कारदार, वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली, आज जिन्होंने हिंदुस्तान में भी टेस्ट क्रिकेट खेला, कंबाइंड इंडिया में, पाकिस्तान में आए तब भी टेस्ट क्रिकेट खेला, ये एजाज उनका था जी। गलती हुई जी। दुनिया में कितनी रियासतें हैं? 233 से 35 हैं। आपने 235 कहा, ये 266 हैं। बहरहाल जवाब दुरुस्त मान लेता हूं। कोह बेसुतून क्या है? पहाड़। पहाड़, ईरान का एक पहाड़ है जहां वो सौदा के मारे इश्क में खिसरो से कोह कन, बाजी अगर चेपा न सका सर तो खो सका, ये कोह बेसुतून उस पहाड़ को कहते हैं जिसमें फरहाद ने वो नहर निकालने की कोशिश की और अच्छा भला इंजीनियर आदमी यारों ने उसको तरखांड बना दिया। तो एक पहाड़ का नाम है जो ईरान में है, उसको कोह बेसुतून कहते हैं। जवाब आपका दुरुस्त है जी। ये बताए सूबा पंजाब में कितने अजला हैं? 12 अजला हैं। आप बताएंगी? 22। बहुत फर्क है दोनों में, 35 अजला हैं जी। गलती हुई जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान मोटरसाइकिल है और इसका दूसरा प्रोग्राम है, पाकिस्तान में सबसे कम मुद्दत के लिए वजीर आजम कौन बना? नो जी, सदर मोहम्मद अयूब खान। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान को तकनीकी तौर पर वजीर आजम बनना पड़ा था, तो 3 दिन के लिए पाकिस्तान की तारीख में फील्ड मार्शल का नाम है कि वो 3 दिन वजीर आजम भी रहे। उस बर आजम का नाम बताइए जिसे मुस्लिम बर आजम भी कहा जाता है। बर आजम यूरोप। अफ्रीका। बर आजम अफ्रीका, उसको मुस्लिम बर आजम भी कहा जाता है। डॉक्टर मरियम का जवाब दुरुस्त है जी।
अब आप ही की बारी है, बताइए इथोपिया और हबशा इनके दरमियान कितना फासला है? ये एक ही मुल्क के दो नाम है। इथोपिया और हबशा एक ही मुल्क के दो नाम है, जवाब दुरुस्त है जी। ब्राइटो पेंट्स के मेहमान, समंदर में फासला नापने का पैमाना क्या है? नॉटिकल मील। नॉटिकल माइल, जवाब दुरुस्त है जी। आखिरी सवाल ब्राइटो पेंट्स के मेहमान, हर दीवार से छल के प्यार मुहिंजो दड़ो के आसार 1922 में दरियाफ्त किए गए थे, बताइए हड़प्पा की कदीम तहजीब का पता इससे पहले लगा था या बाद में? इसके बाद लगा था। डॉक्टर मरियम, मोहनजो दड़ो के आसार 1922 में दरियाफ्त हुए और हड़प्पा के 1921 में दरियाफ्त हुए थे, तो हड़प्पा पहले दरियाफ्त हुआ, मोहनजो दड़ो बाद में दरियाफ्त हुआ, गलती। डॉक्टर मरियम, आपके 3 जवाब दुरुस्त हुए और शहबाज आपके 4 जवाब दुरुस्त हुए, तो आज का मुकाबला आप जीत गए और ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों ने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेज रखा है, ये आपके साथ जाएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मजीद तैयारी कीजिए। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स बनाने वालों की तरफ से म्यूजिकल चेयर है, आज इसका 7वां प्रोग्राम है, इससे इसके बाद जो प्रोग्राम आएगा उसमें जीतने वाले को हम सोने का लॉकेट भी देंगे। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो दुनिया माने, गोल्डन पर्ल। 1 2 गो। गोल्डन, गोल्डन। जी
गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स बनाने वालों का जो मुकाबला था सातवां, उसमें आज आप फर्स्ट आई हैं, आप सेकंड हैं और आप तीसरे नंबर पर हैं। इनके लिए कैश किताब का तोहफा जी, आपको मुबारक हो। कैश किताब आपको मुबारक हो, कैश किताब और फूल आपको मुबारक हो।